लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बिट क्या होता है, बाइट क्या है और किलोबाइट, मेगाबाइट जैसे टर्म्स और ऐसे ही बहुत कुछ नोट्स के साथ। हमारे फिजिकल वर्ल्ड में कई तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इनमें से जो मोस्ट यूज नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हमारे द्वारा हर जगह यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को ही समझ सकता है, यानी कि 0 या फिर 1। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी चीजें सेव होती है वो बेसिकली बाइनरी में ही स्टोर होते हैं। हमें यह पता है कि एक बाइनरी डिजिट यानी 0 या फिर 1, तो हम इस 0 या फिर 1 को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं 1 बिट। तो 1 बिट एक बाइनरी डिजिट 0 या फिर 1 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही 8 बाइनरी डिजिट या फिर 8 बिट्स की कॉम्बिनेशन को हम 1 बाइट कहते हैं, और 1024 बाइट्स को लेकर 1 KB या फिर 1 KB होता है। अब कंफ्यूजन ये है कि हम तो मैथ्स में ये जानते हैं कि 1 किलो यानी 1000 होता है, लेकिन यहाँ पर 1024 कैसे हुआ? एक्चुअली कंप्यूटर का जो स्टोरेज यूनिट का काउंट होता है वो 10 के पावर के फॉर्म में नहीं बल्कि 2 के पावर के फॉर्म में काउंट होता है। तो इसलिए 2 के पावर 1 यानी कि 2, पावर 2 यानी कि 4, पावर 3 यानी कि 8 और ऐसे ही 16, 32, 64, 128, 256, 512 और फिर आता है 1024। बाइनरी में 1000 का वैल्यू ये है जो अब स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन बाइनरी में 1024 का वैल्यू ये है जो अब स्क्रीन पर दिख रहा है। तो कंप्यूटर के लिए 1000 एक ऑर्डिनरी नंबर होता है, लेकिन 1024 एक होल नंबर होता है। एक ऑर्डिनरी नंबर और एक होल नंबर के कंपैरिजन में एक होल नंबर को लेकर काम करना ज्यादा आसान होता है। तो एक कंप्यूटर को इस नंबर के साथ काम करने से ज्यादा आसान होता है इस नंबर के साथ काम करना। तो इसलिए 1 KB की वैल्यू 1000 ना होकर 1024 बाइट्स होता है, और 1024 किलोबाइट्स को लेकर 1 MB या फिर 1 MB होता है, 1024 मेगाबाइट को लेकर 1 GB या फिर 1 GB होता है, 1024 गीगाबाइट को लेकर 1 TB या फिर 1 TB होता है, और ये काउंटिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो आज की वीडियो था कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइसेस और उनके मेजरिंग यूनिट्स के बारे में। इस वीडियो का नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।